बहराइच के जिलाधिकारी की खबर, जिनकी तानाशाही का मामला होमगार्ड को पीटने के मामले में अब राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। बहराइच सांसद सावित्रीबाई फुले करेंगी धरना प्रदर्शन, होमगार्ड के समर्थन में बीजेपी सांसद प्रदर्शन करेंगी और अन्य जिलों से भी होमगार्ड यहां पर पहुंचने लगे हैं। तो जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अब तक कोई छोटा कदम भी जिलाधिकारी के खिलाफ नहीं उठाया गया है। तो आपको याद होगा कि यहाँ कैंपस में जो चंदन के पेड़ की लकड़ी काटने का मामला था और उसी में यहाँ होमगार्ड्स को काफी बुरी तरह पीटा गया था, उनके हाथ की उंगलियां जो थी वो टूट गई थी, शरीर पर जख्मों के निशान थे। तब से ही ये जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि बजाय इसके कि जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, प्रशासनिक अमला अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है होमगार्ड्स की आवाज को दबाने के लिए। जो बहराइच में जिलाध्यक्ष हैं होमगार्ड्स के, उनको उनका घर गिराने का नोटिस जारी किया गया, तमाम तरह के कभी प्रलोभन दिए जा रहे हैं तो कभी डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन अब राजनीतिक रंग इस पूरे मामले ने ले लिया है। जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी अपना समर्थन देने के लिए पहुंच रही हैं बहराइच में इन होमगार्ड्स। तो यहाँ पर दबंगई का आलम यह है कि जो लोग चोटिल हुए हैं उनका मेडिकल तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक रुतबा है अपना, जो प्रशासनिक ताकत है, उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं जिलाधिकारी। अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त बहराइच से जुड़ चुके हैं, तो अभिषेक से हम और अपडेट लेंगे। अभिषेक, ताजुब की बात है, इतना वक्त बीत गया है, कोई बड़ी कार्रवाई तो छोड़ी, कोई खलबली भी नहीं हुई जिससे लगे कि हाँ जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। तो फिलहाल आज का दिन बीते हुए दिनों से किस तरह से अलग है और किस तरह से हम कहें कि वाकई में होमगार्ड्स का जो ये आंदोलन है वो आगे बढ़ रहा है? या बिल्कुल, आज पूरे सूबे से आह्वान किया गया है होमगार्ड्स का और तकरीबन 10 बजे के बाद तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पूरे सूबे से होमगार्ड यहाँ पर पहुंचेंगे और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है सावित्रीबाई फुले, वो यहाँ पर उस आंदोलन को ज्वाइन करने जा रही हैं आज से। वो भी इस धरना स्थल पर पहुंचेंगे और उनका साथ देंगे इस धरने के दौरान। साथ ही उन्होंने कल टेलीफोनिक बातचीत की थी जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं गजराज पाठक, उनसे, और ये कहा था, आश्वस्त किया था कि वो कार्रवाई के लिए न सिर्फ गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रही है बल्कि वो खुद भी यहाँ आकर समर्थन में बैठेंगी होमगार्ड्स के। साथ ही साथ एक नया अपडेट जो जानकारी में आया है अभी कुछ देर पहले ही कि गजराज पाठक जो जिला अध्यक्ष हैं बहराइच के होमगार्ड एसोसिएशन के, उनके घर टीम पहुंची है नगर पंचायत की, नगर निगम की, और वो उनके नगर पालिका की टीम उनके घर को तोड़ने की कार्रवाई, जो उनको नोटिस तामील कराया गया था बैकडेट में, उसको लेकर पहुंची है। और किसी भी तरह से प्रशासन हर तरीके की कोशिश कर रहा है, किसी भी हथकंडे को अपनाने से चूकता नजर नहीं आ रहा है इस धरना प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए। बिल्कुल, तो ये अभिषेक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि जो जिला अध्यक्ष हैं होमगार्ड्स एसोसिएशन के बहराइच के, उनके घर को तोड़ने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक टीम पहुंच चुकी है। तो गजराज पहले ही समाचार प्लस पर कह चुके थे क्योंकि वो आवाज उठा रहे होमगार्ड्स के लिए, तो इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकता है प्रशासन, और वो कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए।